क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेमिनार होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक स्पीकर खड़े होते हैं, ठीक है। वो स्पीकर क्या करते हैं, उन स्पीकर के पास में एक 500 का नोट होता है, तो वो अपने सारी ऑडियंस से पूछते हैं कि किसको ये 500 रुपए का नोट चाहिए, तो सब अपना हाथ ऊपर करते हैं, फ्री के पैसे किसको नहीं चाहिए। उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस 500 के नोट को क्रश कर देते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि किस किस को ये नोट चाहिए, तो अभी भी सब हाथ ऊपर करते हैं, सब कहते हैं कि भाई हमें चाहिए हमें चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, उस नोट को नीचे गिरा देते हैं। जब वो उस नोट को नीचे गिरा देते हैं और फिर वो लोगों से पूछते हैं कि अब किस किस को ये नोट चाहिए, तो सब फिर से अपना हाथ ऊपर करते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं बेटा, कि उस 500 के नोट को आप कितना भी क्रश कर दो, उसने अपनी वैल्यू थोड़ी खोई, सब उसे फिर भी चाहते हैं, सबको वो 500 रुपए चाहिए, वो कितना भी क्रश हो जाए उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर इंसान अपनी वैल्यू को खो देता है तो वो हार जाता है, लेकिन अगर वो बाउंस करके वापस आता है ना, तो फिर वो कभी नहीं हारता।